इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। सच्चाई का यार टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो सालिमों को माफ। करन 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 पर साजिश की परछाई अगर छाने ले, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 तेरी चक्कर करन करन करन। और पहचानो, कल रात गाड़ी चलाने वाला यही इंसान था साहब। कल रात को मैं इनका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन रात को गाड़ी में यही थे, ये बात पक्की है। में तो जाने देने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि करण साहब बहुत अच्छे से जानते हैं इमेज की वैल्यू। सर, सर क्यों किया आपने ऐसा? आप ठीक तो हैं सर? हाँ राठी, अभी तक तो ठीक हूं, लेकिन मेरा ज्योति के असली कातिल तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना पुलिस से बचते रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। मानिका, मैंने तुम्हें अपने घर भेजा था, कोई क्लू कोई सुराग मिला तो नहीं? नहीं सर, घर पे तो सब कुछ एकदम ठीक था, मैंने पूरा घर बारीकी से छान मारा, लेकिन इस कातिल ने कोई भी लूज हैंड नहीं छोड़ा। सर ये कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लानर लगता है, पिछले 3 महीने से ज्योति के फोन से वो आपको फोन कर रहा है। हुबहू ज्योति की हैंडराइटिंग में उसने डायरी लिखी है, पूरी तरह से फंसा दिया है उसने आपको। Yes, Rachi, I know that. और सर आपके पुलिस कस्टडी से भागने की वजह से आपका केस भी कमजोर हो चुका है, सब आपको ही मुजरिम मान रहे हैं। मानिका, जेल तोड़कर भागने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, वरना मेरे खिलाफ इतने सबूत है कि अदालत मुझे कभी बेल नहीं देती। I know, sir. अब हमारे लिए क्या ऑर्डर है सर? राठी तुम एक काम करो, तुम उस इंस्पेक्टर कुमार पे नजर रखो, और मानिका तुम ज्योति की लाइफ हिस्ट्री जानने की कोशिश करो। ये पता करो कि मर्डर से पहले वो किस किस से मिले थे, उसके फोन बिल से हर उस नंबर पे फोन करो और मुझे इन्फॉर्म करो। ओके वैसे सर आपका अगला स्टेप क्या होगा? मानिका मैं खुद नहीं जानता कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा, कुछ नहीं जानता मैं। आदमी जो भी है बहुत ही शातिर है, बहुत कमाल की प्लानिंग की है उसने, बट आई एम श्योर कि उसने कोई ना कोई गलती जरूर की होगी, और मैं वो गलती जरूर ढूंढ निकालूंगा। ओके यू गाइस मूव। एक चीज और, तुम दोनों मुझे कॉन्टैक्ट नहीं करना, मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करूंगा। ओके ओके सर। At your service. तुम फिर आ गए यार, तुम मुसीबत में हो और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हुआ है? एक बात दिमाग में आई थी, ये बताने चला है। क्या? पुलिस को कैसे पता चला कि तुमने गाड़ी किस गैराज में दी थी? ये बात तो
राजी और मोनिका भी नहीं चाहते। हाँ यार, मैं पूना से आ रहा था, हाईवे पर गाड़ी खराब हुई, जो पहला गैराज दिखा मुझे मैंने गाड़ी वहीं बनने को दे दी। राइट ऑन। तब तुम उस मैकेनिक के पास जाओ, पूछताछ करो उससे, हो सकता है कि उससे खातिर का कोई सुराग मिले, या फिर यह भी हो सकता है कि खातिर ने खुद पुलिस को गैराज के बारे में फोन करके बताया। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऑफ कोर्स। फिर चला गया, जब आता है तो जाता क्यों है, लेकिन जब भी आता है कुछ सिखा के जाता है। चलो बेटा करण, उस मैकेनिक से मिलते हैं। ये सब क्या हो गया? घबराइए मत काका, सब ठीक हो जाएगा। काका मुझे एक बात बताइए, जिस सुबह आप पुलिस घर पर आई और मुझे गिरफ्तार करके ले गई, उस रात आप बेसुध होकर सोते रहे, वरना आपकी नींद तो ऐसी है कि कोई जोर से खांस भी ले तो आपकी नींद खुल जाती है। गाड़ी घर से गई, कातिल घर पे आया और आपको कुछ भी पता नहीं चला। साहब, उस रात एक फकीर आया था ज़कात मांगने। अब मैंने उसको 5 रुपए दिए, उसके बाद उसने अपना वो रूहानी धुआं मेरे ऊपर कुछ ऐसे फेंका कि दिमाग एकदम सुन चक्कर आया, फिर ऐसी आंख लगी कि सवेरे पुलिस वालों ने मुझे उठाया। रात को फकीर धुआं, ऑफ कोर्स समझ गया काका, आप उसे पहचान सकते हैं? अंधेरा था साहब, गौर से देख नहीं पाया, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। गुड गुड गुड। काका, इस वक्त घर पर पुलिस के कितने लोग हैं? एक कांस्टेबल है और वो भी चिलम लगा के दिन भर हंगाया करता। काका, कातिल एक रात घर में 3 बार आया, मेरा एक बार घर जाना बहुत जरूरी है, और घर से अच्छी जगह भी नहीं आपकी छुपने के लिए। ऐसा करिए, मेरे साथ आइए आप, चलिए देख के संभाल के। साहब, आपको जो तफ्तीश करनी हो कर लीजिए, मैं बाहर कांस्टेबल को संभालता हूं। मैं कल वहां बैठा था, कातिल मेरे होते हुए यहां 2 बार आया, एक बार सारे सबूत लेने और दूसरी बार सारे सबूत छोड़ने, और मुझे कुछ पता नहीं चला क्योंकि मैंने बेहोशी की दवा मिला हुआ जूस पिया हुआ था। लेकिन कुछ तो होगा यहां जो मुझे उस तक पहुंचाएगा। जूस तो मैंने बाएं हाथ से लिया था और फिर बाएं हाथ से एक ग्लास टेबल पर रखा, तो फिर यह हैंडल दूसरी तरफ कैसे, किसने घुमाया?
जब मैंने इस टेबल से गाड़ी की चाबी उठाई, टेबल पर ये नहीं बल्कि दूसरा क्लास पड़ा था। इसका मतलब रात को जब मैं बेहोश था और उस वक्त जब मेरी गाड़ी की चाबी खातिर टेबल से उठा रहा था, तो उससे शायद किसी वजह से क्लास टूट गया। किचन में शायद सेम क्लास नहीं था, इसलिए खातिर ने उस वक्त दूसरा क्लास रख दिया। फिर बाद में आकर उसने क्लास चेंज करके असली क्लास रख दिया, लेकिन हैंडल की पोजीशन पर उसका ध्यान नहीं गया। लेकिन मेरी गिरफ्तारी की बात तो सिर्फ मोनिका ही आई थी, तो क्या यह क्लास मोनिका ने चेंज किया है? सर, वो मोनिका में भी आई थी, आपको मैसेज देने को बोला है कि दो दिन को बाहर जा रहे हैं। दो डिब्बे जूस के रखे थे फ्रिज में बिना बताए ले गई, और किचन की खिड़की बंद करना भी भूल गई। जुर्म की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे का क्यों नहीं? कुछ करण, द डिटेक्टिव, द डिटेक्टिव। मोनिका, अभी तक तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो मेरे शक को यकीन में बदल दे, लेकिन तुमने कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ा होगा, और ये सबूत तुम अपने मुंह से बोलोगे मुझे। We'll be right back.
कहा था अब हम उसी दिन बात करेंगे जिस दिन करण साहब को अदालत में पेश किया जाएगा। मोनिका, मोनिका तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तो ज्योति जिंदा है, इतनी बड़ी साजिश। We are ready as per our plan. Come on. हाँ लाठी। सर ये नंबर कहाँ का है? आप किस नंबर से फोन कर रहे हैं? और कुछ पता चला? लाठी वो बात पता चली है कि सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ज्योति जिंदा है लाठी। What? राठी तुमने ज्योति की लाश को अपनी आंखों से देखा था? नहीं सर, वो इलाका कुमार के अंडर में था। जब तक कमिश्नर साहब और मैं गार्डन में पहुंचे लाश वहां से हटाई जा चुकी थी। करण साहब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लाश किसी और की थी? राठी हो सकता है कि लाश किसी और की हो, लेकिन चेहरा ज्योति का था, क्योंकि कमिश्नर साहब ने ज्योति के घर में उसकी तस्वीर देखकर कहा था कि यही ज्योति है। सर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप कुमार पर शक कर रहे हैं। राठी मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो चीख चीख कर कहते हैं कि मेरे खिलाफ किसी ने बहुत बड़ी साजिश की है, और साजिश रचने वाले तीन लोग हैं राठी, ज्योति, कुमार और मोनिका। मोनिका, ये आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ राठी, हमारी मोनिका। राठी तुम एक काम करो, मैं मोनिका के घर पे हूं, तुम उसे ढूंढो, उसे फौरन से घर ले आओ, उससे पूछताछ मैं करूंगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्यों किया ऐसा मेरे साथ। ठीक है सर। करण द डिटेक्टिव, किस पर भरोसा करोगे? कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि मोनिका मोनिका ऐसा करेगी मेरे साथ। क्यों, क्यों किया उसने ऐसा? करण द डिटेक्टिव, करण द डिटेक्टिव। करण, पुलिस ने इस घर को चारों तरफ से घेर रखा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुमने हमेशा कानून का साथ दिया है, आज भी मुझे उम्मीद है कि तुम कानून का साथ दोगे। अच्छी, ये सब क्या है? ये तो पता नहीं सर, लेकिन अब आपका बचना मुश्किल है। आपको अपने आप को पुलिस के हवाले करना ही होगा। लेकिन सर आप एक काम कीजिए, आपको यहाँ से जो भी सबूत मिले हैं आप वो मुझे दे दीजिए, वक्त आने पर मैं अदालत में उन्हें पेश करूंगा। सर बाहर कुमार है, अगर उसके हाथ ये सबूत लग गए तो वो इन्हें खत्म कर देगा। समझ गया रोटी। यस, सबूत है। और कुछ नहीं, बस ये काफी है। गुड, डिटेक्टिव अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस रिवॉल्वर की छोटी सी गोली तुम्हारे इस 6 फुटे शरीर के लिए काफी होगी। चलो। तुम भी राठी? मैं भी। Come on, move, move. कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना करण, बाहर बहुत पुलिस है। और फिर ये सब क्या है? तुम तो जानते हो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, उससे कोई नहीं बच सकता है। क्या सर,
मैं जानता हूं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और गुनहगार की दौड़ बहुत छोटी। एक छोटा सा सबूत गुनहगार के ताजमहल को मिट्टी में मिला देता है, और सबूत यह है मेरे पास। हैरान मत होना, इस फोन में मोनिका का सिम कार्ड है। अभी अभी जो तुमने अंदर चलाया है वो मेरा सिम कार्ड था। ये सब क्या है सर? सर वो मैं बंद करो ये ड्रामा राठी। सिर्फ तुम्हें पता था कि मैं यहां हूं, तो फिर पुलिस यहां तक कैसे पहुंची? ये वो सबूत है कमिश्नर साहब जो ये साबित करेगा कि कुमार मोनिका और राठी ने मिलकर मेरे खिलाफ ज्योति के कत्ल की साजिश रची थी, जबकि ज्योति जिंदा है। करण, द डिटेक्टिव। करण, द डिटेक्टिव। यस सर, ज्योति जिंदा है। इन लोगों ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके कानून को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। लेकिन क्यों ऐसा करने की इनके पास क्या वजह है? अगर मोनिका और ज्योति यहां होते तो ये चारों आपके सवालों का जवाब खुल के दे पाते सर। सर, मोनिका आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। ये क्या है? हैप्पी बर्थडे सर। सर अरे चलो भाई गाओ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करण, करण सर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू डियर सर। सब कुछ बांट दीजिए। जन्मदिन हुआ रुको बेटा। थैंक यू काका, थैंक यू काका। सामान सर, आपका बर्थडे आ रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आपको तोहफा क्या दूं। तो मुझे याद आया कि आप हमेशा कहते हैं कि कोई भी केस परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई सबूत जरूर होते हैं। तो मैंने सोचा बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर आपके खिलाफ एक ऐसा केस तैयार किया जाए जो इतना परफेक्ट हो जिसमें कोई लूज एंड ही ना हो और आप फंस जाए और ये साबित हो जाए कि कभी कभी सबूतों के जाल में फंसकर बेगुनाह भी कानून का शिकार बन सकता है। बस फिर क्या था, इसने मुझे और कमिश्नर साहब को भी अपने कॉन्फिडेंस में लिया। यस, और मैं भी ये जानना चाहता था करण कि कहीं हम कभी कभी सबूतों की रोशनी में बेगुनाहों की जिंदगी में अंधेरा तो नहीं कर देते। फिर मुझे लाश बनने का न्योता दिया गया। मैं एक एक्ट्रेस हूँ जिसे मैंने खुशी से एक्सेप्ट कर लिया। आपके घर फोन मैंने ही किए थे और वो डायरी भी मैंने ही लिखी थी। फिर तलाशी शुरू हुई एक ऐसे आदमी की जिसके पास आपको फंसाने का मोटिव हो। आपके पुराने केस स्टडी करने के बाद इन्होंने मुझे चुना। सर, मेरे भाई के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसी के कर्म का फल था। उसके अंजाम ने ही मुझे ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है सर। बस फिर क्या था सर, मैं आपके घर गई, मैंने जूस के अंदर बेहोशी की दवा मिलाई, दो डिब्बे में से एक डिब्बा उठाया और मैंने किचन की खिड़की खुली रखी ताकि आपके पास ये सोचने की वजह हो कि शायद कातिल खिड़की से आया हो। घर की चाबी ली और वो दवाई वाला जूस पीने के बाद जब मैं बेहोश हो गया, तुम में से किसी ने राजेंद्र काका को बेहोश किया। जी, वो आपका यही खादिम था सर। सर, मैंने सब कुछ बहुत ही सफाई से किया था, कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। हाँ, मुझसे एक गलती हुई थी लेकिन मैंने उसे भी सुधार दी थी। जूस का ग्लास चाबी उठाते वक्त टूट गया था लेकिन मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग उसे भी रिप्लेस कर दिया। लेकिन सर, आपको मुझ पर शक कैसे हुआ? मैंने अपने खिलाफ कौन सा सबूत छोड़ा? मोनिका, तुमने ग्लास तो रिप्लेस कर दिया लेकिन उसका हैंडल सही डायरेक्शन में नहीं रखा। जब मैंने जूस का ग्लास पिया था तो अपने बाएं हाथ से पिया था, बाएं, और पीने के बाद मैंने ग्लास टेबल पर रखा। ग्लास का जो हैंडल था वो मेरी तरफ था। सुबह जब मैं घर आया तो हैंडल मेरी तरफ नहीं, दूसरी तरफ था।
हाँ। Oh God. मोनिका, इस केस में मुजरिम बनकर तुमसे कोई गलती नहीं हुई थी, लेकिन एज मोनिका ग्लास तोड़कर जो तुमसे गलती हुई है उसे सुधारने के चक्कर में तुम एक सबूत छोड़ गई। जबकि तुमने टूटा हुआ ग्लास बदलने की जहमत ना की होती तो क्या फर्क पड़ता। सुबह टूटा हुआ ग्लास देखकर मैं तो ये समझता कि कातिल से टूट गया। You're a genius, sir. And you are a fool. No. You're a sweet girl. Thank you, sir. ये बर्थडे प्रेजेंट मुझे हमेशा याद रहेगा सर। एक डिटेक्टिव के लिए इससे अच्छा बर्थडे प्रेजेंट क्या हो सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त, मैं आप और एक नया मुजरिम करण द डिटेक्टिव। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है तूफान है फौलाद है चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। हर जमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है तूफान है फौलाद है चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 Karan, 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 Karan